हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट वीडियो में हमारे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस देख लिए थे और उनके सम्स किए थे। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन्हें हम मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस मींस हमारे वेरिएबल्स जो भी होंगे, जितने भी होंगे, सबकी मैक्सिमम पावर या इंटेंसिटी या डिग्री जो भी हम कहें वो होगी 1 से ज्यादा आपके वेरिएबल्स की पावर नहीं हो सकती फॉर लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से डिफर कैसे करते हैं? तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में इक्वल्स टू के दूसरे साइड नंबर्स, होमोजेनियस इक्वेशंस में इक्वेशंस के इक्वल्स टू के दूसरे सेट जीरोस होंगे। लेट्स सी हाउ। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस वो कौन से फॉर्म में दिए गए होते हैं? तो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस ये कहां तक जाएंगे? a1n xn इज इक्वल्स टू 0, देन a21 x1 a22 x2 चाहिए a2n xn तक। और ये इक्वेशंस नीचे कहां तक जा सकता है? am1x1 plus am2x2 और ये जाएगा एट द एंड amn xn equals to 0 तक। ओके, तो ये क्या हो गया आपका नॉन लीनियर सॉरी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे आप क्या देखोगे? तो 0 के इक्वल्स टू दे इक्वल्स टू में इन लोगों ने क्या किए हैं? जीरोस दिए हैं। और होमोजेनियस की पहचान यहीं से होती है। कोई भी इक्वेशन जिसके इक्वल्स टू में 0 हो वैसे इक्वेशंस को हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल दूं तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx प्लस सी से भी हम इक्वल टू 0 मानते थे, ये भी हमारा एक होमोजेनियस इक्वेशन था। पता चला? ओके, लीव दैट। अब ये होमोजेनियस इक्वेशंस क्या है हमें पता चले, एंड हमें क्या पता है? हमें इनकी रैंक से इन्हें रिलेट करना है। हमें क्या करना है? इनकी रैंक से इन्हें रिलेट करना है। तो आपने पहले नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का वीडियो ना देखा हो तो आई पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिए, तो आपको रिलेशन कैसा होगा वो पता चलेगा। ओके, जीरोस होंगे और इन इक्वेशन का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं जैसा मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स से। और जब हमारा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन था तब हमें इक्वल्स टू के दूसरे सेट कांस्टेंट्स मिलते थे, हमें इक्वल्स टू के दूसरे सेट कांस्टेंट मिलते थे, पर इसमें हमें कांस्टेंट्स नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीरो मिलेगा। ओके, तो मैं अगेन अपने कोएफिशिएंट को, अपने वेरिएबल को और अपने जीरो को नोटेशन लूं, तो मैं नोटेशन कैसे कह सकता हूं? मैं कोएफिशिएंट कंसीडर करूंगा ए, वेरिएबल कंसीडर करूंगा एक्स और जीरोस हो तो जीरो ही होंगे इक्वल टू के। ओके, और मुझे इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे ए एक लाइन और जीरो ऐसे लिख सकता हूं। और जैसा कि आप जानते हो हम इससे रैंक से महत्व लगते हैं, दैट मींस हमें अभी रैंक क्या होगी फॉर दिस इक्वेशंस वही सीखना है। तो रैंक की भी कंडीशंस है, कंडीशन बोलो केसेस बोलो, जैसा हमने नॉन होमोजेनियस में देखा था सेम होमोजेनियस में है। पहली कंडीशन क्या होगी? योर रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड अगेन दिस विल बी इक्वल टू एन, वेयर एन आर योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। क्या? कि आप कि जब रैंक ऑफ ए वो इक्वल है आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक से और वो नंबर ऑफ वेरिएबल से भी इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए? तो यहां पे आप देख सकते हो x1 x2 ये क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं x1 x2, ये दो वेरिएबल हुए, xn तक वेरिएबल्स हो सकते हैं।
चला। अब ये कब होगा? ये तब होता है जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। दैट मींस आपके जो इक्वेशंस होंगे उन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। सेकेंड कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बट देखो यहाँ पे बी नहीं होता था, यहाँ क्या जीरो हो जाता है, वहां पे कॉन्स्टेंट था तब हम बी लिखते थे, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप रिएक्ट कर सकते हो डायरेक्टली पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक किस पे डिपेंड करती है, टू द रैंक ऑफ ए। ओके, और ये हो जाता है सेकंड कंडीशन के लिए लेस देन इक्वल टू एन। एन आर अगेन योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, और ये लेस देन इक्वल टू कब होता है, जब आपके पास इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। ओके, और सिमिलरली एक थर्ड केस भी आता है। अब और थर्ड केस क्या है, योर रैंक ऑफ ए माइट नॉट बी इक्वल टू योर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स व्हिच इज ए जीरो फॉर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। और ये इक्वल नहीं होता, वो कब नहीं होता, जब आपका जो इक्वेशन का जो सेट है वो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो आपके इक्वेशन का, तब हम उसे रैंक ऑफ ए वुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऐसा बताते हैं। ओके, तो ये आपने रिलेट कर लिए होंगे, ना देखा हो तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि नॉन होमोजीनियस का वीडियो साथ में देखना फिर होमोजीनियस का स्टार्ट करना, तो डायरेक्टली आपको फ्लो पता चलेगा कि किस हिसाब से जाता है। ओके, मैं और भी एक एग्जांपल्स और सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट स्टिल देखो आपने फॉर्म देख लिया, फॉर्म देखने के बाद उसे हम न्यूमेरिकली और सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट को x बताते हैं, यहां पे जो a11 है वो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी, उसे हम कोएफिशिएंट में लिखेंगे। x विल बी आवर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x मींस यहां पे x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स हो वो हमारे x में गिने जाते हैं। For homogeneous, that is equals to zero. अगर non-homogeneous होता, तो ये कुछ constant values होती जिन्हें हम b count करते थे। Okay? ये clear हुआ? तो जल्दी से ये लिख लो, तो हम क्या क्या questions देख लेते हैं। ये clear हुआ? तो पहले मैं दोनों के बीच का difference आपको और clear करवा दूँ। तो देखो हमने क्या देखे थे? Non-homogeneous and homogeneous. दोनों equation में difference क्या था? Homogeneous में equals to के दूसरे side zero है, non-homogeneous में numbers. वो बेसिक डिफरेंस था जो आपको पता है, बट ये जो कंडीशंस बन रही है वो कंडीशंस कैसे बन रही है, लेट्स सी। जब आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, यस वेरी गुड, आपका जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो हो तब, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो तब। सिमिलरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तब, पता चला। अब जब आपका मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो है, दैट मींस आपका मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब आपकी कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी होगी, दैट मींस योर रैंक ऑफ ए वुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, जहाँ पे n क्या है, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, दैट मींस आपके पास सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट और मेनी, और कई बार इसे ट्राइबल भी कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ओके, और जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, दैट मींस नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए वुड बी equal to n, that means आपकी rank a वो आपके number of variables जितने होंगे उतनी ही होगी, and इसके लिए आपके पास unique solution होते हैं। और unique solution का non-trivial solutions भी कह सकते हो, non-trivial solutions। clear हुआ? अब चलो देखो solutions, पता चला तो
डिफरेंस कैसा है, एक कब है जब आपका मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर कब कहा जाता है, जब आपका डिटरमिनेंट ए का या एक मैट्रिक्स का जीरो है, और जब डिटरमिनेंट जीरो आता है तब आपकी रैंक हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आएगी। उसके लिए वो कंडीशंस क्या दे रखेंगे, आपके पास इनफाइनाइट और मेनी और ट्राइवल सॉल्यूशंस हैं, ओके। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें वो कब होता है, जब योर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और तब क्या होता है, आपकी रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स is equal to the number of variables you have, and उसके लिए condition क्या होती है, आपके equation के unique solution या non-trivial solutions होते हैं। चलो ये भी लिख लो, तो जल्दी अब हम here के question start करते हैं। यहाँ पे एक correction आएगा, unique solutions means trivial solutions होता है, and many solutions that means non-trivial solutions होता है, okay? Okay, तो चलो जल्दी से ये question की बात कर लें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वेरिएबल ऑफ लैम्डा, दैट मींस यहां पे लैम्डा से हमें कंसर्न है, सिस्टम विल हैव ट्राइबल सॉल्यूशंस। ओ यहां ट्राइबल सॉल्यूशन मैंने हाईलाइट ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी है, और आपको एक लीनियर इक्वेशंस की जो कैसे हैं, इक्वल्स टू के साइड जीरो है, दैट मींस होमोजेनियस है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहला होता है हमारे कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 3 1 -लैम्डा 3 1 -लैम्डा 4 -2 -3 4 -2 -3 ओके 2 4 लैम्डा। यहां पे देखो 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा 4 एंड लैम्डा, ये इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गए हमारे कोएफिशिएंट हो गए, दैट मींस ए हो गए। हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे वेरिएबल से जो क्या है x1 x2 x3 x1 x2 x3, और दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0 0, ओके। तो जब ये सॉल्यूशंस हमारे पास हो जाएं तो मैं क्या बता सकता हूं, अपना a इज इनटू x विल बी इक्वल टू 0, बट हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे हैं, ट्राइवल सॉल्यूशंस हैं, और ट्राइवल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास इक्वेशन बोले या हमारा केस बोले तो क्या केस होता है, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। तो हम एक ही चीज से कंसर्न्ड है, किससे, ए से, और ए क्या है, तो ये ए है मेरा कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, दैट मींस मैं अपने कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स से ही कंसर्न्ड हूं। सबसे पहले मैं अपने कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स यहां लिख दूं जो क्या है 3 4 2 लैम्डा 3 4 2 लैम्डा 1 -2 4 एंड -लैम्डा -3 लैम्डा -लैम्डा -3 एंड लैम्डा, ओके। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा वो जीरो से इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं तो यू माइट बी नोइंग डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, और 3 के कोफैक्टर निकालना हो तो डायरेक्ट मैं कैसे कर सकता हूं, ये कॉलम और रो को एलिमिनेट करूं तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा माइनस, और ये 3 4 जा 12 पर कैसा कर माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा, ओके। सेकेंड एलिमेंट 1 है, सेकेंड के लिए माइनस डाल देते हैं, और सेकेंड एलिमेंट में हम रो और कॉलम को एलिमिनेट करें तो हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा इनटू 4 एंड 2 इनटू 3, ओके। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस, ये देखो अगेन यहां पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6 लैम्डा, ओके। और लास्ट एलिमेंट हमारा माइनस लैम्डा, लास्ट प्लस होता है बट ये लैम्डा के आगे माइनस है इसलिए हम माइनस लिखते हैं, और इसके एलिमेंट्स रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 और माइनस 4, दैट मींस अगेन प्लस हो जाएगा 16 प्लस 4 लैम्डा, ऐसा हो जाएगा, ओके। और हमें क्या बताना है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट की जगह में 0 इज नॉट इक्वल टू लिख दूं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो हमें ये मिली है, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं ब्रैकेट खोल के लिखना चाहूं तो ये पहले -6 लैम्डा प्लस 12 इनटू 3 36
माइनस ये 4 प्लस 6 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10 लैम्डा हो जाएंगे ओके। इसके बाद इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 16 लैम्डा और इसे और अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इस लैम्डा के पास जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरे कुछ करें दैट मींस सबसे बड़ा टर्म सबसे बड़ा वेरिएबल का डिग्री लैम्डा स्क्वायर है उसे पहले फिर लैम्डा फिर कांस्टेंट तो मैं कैसे बता सकता हूं 0 इज नॉट इक्वल टू -4 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा वाले टर्म हमारे पास 1 2 3 3 है 16 16 प्लस 10 26 26 प्लस 6 32 -32 लैम्डा लास्ट कांस्टेंट इज +36 ओके। अब आप देखो तो पहले लैम्डा स्क्वायर के आगे माइनस है उसे मुझे प्लस करना होगा तो सारे की साइन चेंज हो जाएगी तो मैं ऐसा बता सकता हूं 0 इज नॉट इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा माइनस 36 ओके। पता चला क्या हो रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है लैम्डा फाइंड आउट करना है क्यों क्योंकि यहां पे बताया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट मींस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आप आई थिंक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ओके। पर उसके वैल्यू क्या देखो तो 4 ऐसी नंबर है जो सब में से कांस्टेंट निकल रही है तो मैं सब को डिवाइड बाय 4 कर दूं इक्वल्स टू के दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 4 डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 8 जा 32 8 लैम्डा माइनस 4 9 जा 36 9 हो गया। अब मैं डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकता हूं चलो जिसे आती है वेरी गुड जिसे नहीं आती उसके लिए पहले हम क्या करते हैं पहले और लास्ट टर्म को वैसे के वैसे रख देते हैं हमें मिडिल टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है दैट मींस दो नंबर आएंगे और बीच में एक साइन भी आएगी क्योंकि मिक्स करके तो हमें 8 लैम्डा 8 लैम्डा ही बनाना है ओके। तो अब ये साइन कैसे पता चलेगी तो प्लस माइनस माइनस होता है तो बीच में साइन भी आएगी माइनस की देन हमें लास्ट नंबर दैट मींस लास्ट कोएफिशिएंट को फर्स्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है यहां पे 9 है यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है 9 1 जा 9 हो जाता है और 9 के फैक्टर्स आप 1 * 9 3 * 3 ये दो बता सकते हो ओके। फिर ये दोनों ब्लैंक्स कैसे फिल होंगी तो प्लस माइनस माइनस होता है आपको माइनस करके बनाना क्या है 8 बनाना है 3 - 3 विल बी 0 तो ये यूज नहीं होगा 9 माइनस 1 इज 8 पर 8 कैसा चाहिए आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन के पास रखोगे दैट मींस यहां आप 9 लैम्डा रखोगे यहां पे आप 1 लैम्डा रखोगे फिर जैसे आप करते हैं वैसे ब्रैकेट बना लो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा का ब्रैकेट अब यहां माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी लैम्डा प्लस 9 का ब्रैकेट आ जाएगा इस पहले टर्म में से आप लैम्डा कॉमन निकालो तो लैम्डा प्लस 9 यहां से आप कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकालो तो लैम्डा प्लस 9 ओके। तो आपको एट द एंड दो इक्वेशंस मिल गए दैट मींस 0 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा प्लस 9 तो इससे आप क्या बता सकते हो द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि माइनस 1 है इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो प्लस 1 हो जाएगा और लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 9 है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा आपकी लैम्डा की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं हो सकती फॉर ट्राइवल सॉल्यूशंस दैट मींस एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा हो तब आपकी लैम्डा की वैल्यू 1 और -9 नहीं हो सकती पता चला ये नॉर्मल ये टास्क क्वेश्चन है जो जनरली 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है क्लियर नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो।